सबसे पहले अशोकनगर जिले के जहां काम का तनाव और भार की प्रताड़ना के चलते एएसआई ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एएसआई सतीश रघुवंशी ने थाने के टावर पर फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी की है। साथ ही सुसाइड नोट में चार लोगों को जिम्मेदार बताया है। घटना से गुस्साए परिजनों ने एसपी ऑफिस के बाहर जोरदार हंगामा किया और साथ ही एसपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने एसपी को निलंबित कर दिया है। क्योंकि ये कोतवाली की घटना है और जो सुसाइड नोट था उसमें टीआई और सहायक उपनिरीक्षक के भी नाम थे, तो टीआई बीएस कौर और उपनिरीक्षक रवि कौशल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। एमपी के दमोह की बात करते हैं, जहां बिजली विभाग की सलाहकार समिति की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभारी मंत्री कुसुम सिंह बीमारी के चलते शामिल नहीं हो पाए। उनकी गैर मौजूदगी में दमोह संसदीय क्षेत्र के सांसद प्रहलाद पटेल अध्यक्षता करते हुए नजर आए हैं। बैठक में सभी विधायक सदस्य मौजूद रहे और इस दौरान बिजली विभाग की ओर से किए जा रहे फीडर सपरेशन के कार्यों पर चर्चा की गई है। साथ ही बिजली विभाग